हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी के कितने सेक्टर बताए गए हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में। तो हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमी के सेक्टर की। इकोनॉमी के जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के चार सेक्टर बताए गए हैं। चैप्टर नंबर सेक्टर सबसे पहला है हाउस होल्ड सेक्टर। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर सेक्टर। नेक्स्ट गवर्नमेंट सेक्टर। और नेक्स्ट है द एक्सटर्नल सेक्टर। इसको दूसरी तरीके से हम द एक्सटर्नल सेक्टर को एक और नाम से जान सकते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको शेष विश्व। तो ये चार सेक्टर है, इस चार सेक्टर के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउस होल्ड के बारे में। हाउस होल्ड सेक्टर हिंदी में बोलते हैं परिवार क्षेत्र। परिवार क्षेत्र क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में थोड़ा इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। परिवार क्षेत्र का मतलब होता है लोगों का परिवार। इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर ये कंज्यूमर्स होते हैं, और जो कंज्यूम करते हैं ये कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, किसी भी इकोनॉमी का सबसे अहम सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर है ये, क्योंकि इसी सेक्टर के द्वारा गुड्स एंड सर्विस जो प्रोडक्शन होता है उसका कंज्यूम किया जाता है हाउस होल्ड के द्वारा। और यही सेक्टर होता है जो गुड्स एंड सर्विस का प्रोड्यूस, उसी तरह ये जो है प्रोडक्शन के लिए जरूरी फैक्टर्स भी प्रोवाइड करता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोवाइड करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड हाउस होल्ड के द्वारा दिया जाता है, साथ ही साथ लेबर हाउस होल्ड के द्वारा दिया जाता है, साथ ही साथ इसमें कैपिटल हाउस होल्ड के द्वारा दिया जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें इंटरप्राइजेस भी हाउस होल्ड के द्वारा लगाया जाता है। तो इकोनॉमी का सबसे अहम और सबसे मजबूत सेक्टर है हाउस होल्ड। सेक्टर नंबर सेकंड प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर जिसमें कहते हैं उत्पादन या उत्पादक क्षेत्र। क्या है ये, इसमें जो है जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट्स है, उसको शामिल किया जाता है, इनकी वस्तु एवं गुड्स एंड जो सर्विसेज है, गुड्स एंड सर्विसेज के जो है प्रोडक्शन की बात किया जाता है। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन का जो सेक्टर है इसमें शामिल होता है। और ये प्रोड्यूसर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, किसके लिए, हाउस होल्ड्स के लिए, और साथ ही साथ ये हाउस होल्ड से जो है जो भी उनसे ज़रूरी चीज़ें हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, और इंटरप्राइजेस स्किल्स है, वो लेता है, और बाद में इन सब के बदले में उनको पेमेंट ऑफ फैक्टर प्रोवाइड करता है, पेमेंट्स ऑफ फैक्टर्स देता है। तो प्रोड्यूस सेक्टर हाउस होल्ड के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। थर्ड सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर का काम है हाउस होल्ड्स और प्रोड्यूसर, इन दोनों सेक्टर के ऊपर रेगुलेट करना, उन दोनों को जरूरी बुनियादी सुविधाएं प्रोवाइड करना, और एज ए वेलफेयर एजेंसी के रूप में काम करना। वेलफेयर एजेंसी यानी कि ये प्रोवाइड कराता है वेलफेयर फॉर हाउस होल्ड्स और साथ ही साथ वेलफेयर फॉर प्रोड्यूसर्स, यानी कि दोनों को वेलफेयर प्रोवाइड करता है।
और गवर्नमेंट जो काम करता है वेलफेयर की तरह भी काम करता है, साथ ही साथ दूसरा जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है एज ए वेलफेयर के अलावा, ये एज ए प्रोड्यूसर भी काम करता है। एज ए प्रोड्यूसर का मतलब ये भी प्रोड्यूसर की तरह चीज़ों का प्रोडक्शन करता है, किसके लिए? हाउस एंड सेक्टर के जरूर के लिए, यानी कि जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ये भी जो है करता है। साथ ही साथ इसका मेन काम होता है लॉ एंड रेगुलेशन बनाना होता है। ये इसका काम जो है डिफेंस सेक्टर को देखना होता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर भी इकोनॉमी का एक अहम सेक्टर होता है, इम्पोर्टेंट सेक्टर होता है। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ सेक्टर, द एक्सटर्नल सेक्टर। द एक्सटर्नल सेक्टर जिसका दूसरा नाम क्या है? द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि शेष विश्व, गवर्नमेंट को छोड़ के, हाउस होल्ड को छोड़ के, प्रोड्यूसर के छोड़ के जो भी बचता है वो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आता है, यानी कि इनके अलावा जो कुछ बचता है उनके द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है। और ये जो है एक्सटर्नल सेक्टर के साथ क्या काम किया जाता है यहाँ पर, ये जो शामिल होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, और इसी के द्वारा जो है किसी भी इकोनॉमी में एक्सटर्नल सेक्टर के द्वारा ही इसमें फॉरेन एक्सचेंज एंड साथ ही साथ जो है ट्रेड बैलेंस, इसके बारे में ज़्यादा पता चलता है। और यहाँ पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो होता है वो किसका होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का। और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के द्वारा ही किसी देश की इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा जो है फायदा मिलता है, उसकी इकोनॉमी बहुत जल्दी विकसित होती है। और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के द्वारा ही उस देश के जो डोमेस्टिक होता है, डोमेस्टिक नीड्स को भी पूरा किया जाता है। तो ये है फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के जो कि इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।